एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। मैं प्रिया फर्जना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हमारी हो रही है साफ सफाई और अभी बज रहा है मॉर्निंग के 8। एक्चुअली आज है हमारा गोवर्धन पूजा, तो मैं थोड़ा सा उसी की तैयारी कर रही थी। अभी एक्चुअली मैं जाऊँगी, अभी नहाने के बाद हमारा काम स्टार्ट होगा और सबसे पहले हम यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। एक्चुअली आज हमारे यहाँ काफ़ी धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। जैसे भी मनाई जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगी और इसके बाद दोपहर में हम जाएंगे गोवर्धन बनाने। एक्चुअली गोवर्धन मैं ही बनाती हूँ, तो शाम दोपहर के टाइम हम जाएंगे और उससे पहले हमारे क्या क्या होता है पूजा में, कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल मुझे करनी है यहाँ की साफ सफाई और क्या थोड़ा सा हॉल को भी पहुँच लेंगे क्योंकि जो भी लोग गेस्ट आते हैं वो लोग यहीं पर बैठेंगे। तो चलिए अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं और अपने वीडियो की भी शुरुआत करते हैं और आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी गोवर्धन। तो फाइनली आज है हमारा गोवर्धन और इसके लिए आज मैं सबसे पहले से यहाँ की सफाई कर रही हूँ। मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं बाहर कर चुकी थी और अंदर बस थोड़ी सी चीज़ करनी थी, तो मुझे लगे हाथ यहाँ सफाई कर लीजिए क्योंकि अक्सर ये होता है कि मुझे मॉर्निंग में सफाई नहीं होती, फिर दोपहर में अलग से टाइम निकालना पड़ता है उसमें। सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा आलस लगता है, मॉर्निंग में मैं काम कर ही रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि चलिए ये लगे हाथ यहाँ पर भी सफाई कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ बैठी हुई थी, मैंने उन्हीं को कैमरा पकड़ा दिया है, यानी अपना फ़ोन पकड़ा दिया है और मैं अपने काम में लग गई हूँ। एक्चुअली वैसे तो साफ रहता है लेकिन गोल्डी कभी कभार आता है तो जो बिस्तर होते हैं इधर उधर कर देता है, तो बस इसीलिए कभी कभार थोड़ी सी ज़रूरत हो जाती है। तो बस मैंने ये काम फटाफट से ख़त्म किया और मैं अपना पोछा वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें आज पूरे ही दिन काम है क्योंकि गोवर्धन वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नहा के और ये हमारी आ चुकी है सब्जी जो कि अन्नकूट की है, ये अभी मैं बनाने जाऊँगी। अभी हमारा टाइम हो रहा है 10:30। चाय वगैरह हम पी चुके हैं और बाल मैंने एक्चुअली धोए थे अभी तक की गए, तो थोड़ा सा इसको भी हम खोल के सुखा देंगे। और मैं अभी यहाँ पर पहनी हुई थी नी गार्ड, मैंने उतारा नहीं है क्योंकि अभी मैं किचन में जाऊँगी तो बार बार उतारने और पहनने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं और मम्मी यहाँ बैठ के सब्जी काटेंगे। ये हमारी अन्नकूट की सब्जी है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं। बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं, बहुत सारी सब्जियों के तो मैं नाम भी नहीं पता। तो ये हमारी आ गई है, इसके बाद मैं गोवर्धन भी बनाने जाऊँगी ऊपर छत पे। मैं कैसे गोवर्धन बनाती हूँ वो चीज़ आपको दिखाऊँगी, हालाँकि थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि मैं बनाने में ही 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। मैं अकेले क्योंकि बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ इसलिए मुझे टाइम लगता है। हम आपको दिखाएंगे हम कैसे जाते हैं और कैसे गोवर्धन बनाते हैं और मैं कैसे कैसे सेलिब्रेट होता है। इसके बाद हम अपने यहाँ भी पूजा होगी और दूसरे के यहाँ भी होगी, वहाँ पर भी सब लोग जाएंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर दिखाएंगे। और यहाँ पर मम्मी भी हमारी आ चुकी है, हम जा रहे हैं बस सब्जी को तोड़ने और काटने। तो यहाँ पर गोवर्धन वाले दिन एक अलग से सब्जियाँ आती हैं जो कि होती है हमारी अन्नकूट की सब्जी। इसमें एक नहीं कई तरह की वैरायटी वाली सब्जियाँ होती हैं और कईयों के तो हमें नाम तक नहीं पता कि इसमें कौन सी सब्जी है, लेकिन ये अगर गिनी जाए तो 60+ सब्जियाँ होती हैं, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अलग अलग रेट में भी मिलती हैं, 51 का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है और भी बहुत महंगी महंगी, लेकिन हम लोग क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते थे इसलिए हम लोग बस आधा किलो लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लोग लेके आए थे क्योंकि हम लोग 4-5 लोग ही हैं और कभी कभी होता है प्रसाद वगैरह कहीं भेजना होता है तो वो इसी में हो जाता है, मैनेज हो जाता है क्योंकि काफ़ी सब्ज़ी हो जाती है ये। हम लोग को अलग से आलू वगैरह काट के इसमें डालते हैं क्योंकि ये मेरा पूरे दिन का वीडियो है और आज है कोई हमारा स्पेशल त्यौहार जो कि हमारा गोवर्धन है, तो इसलिए हमारा वीडियो भी आज का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी आपके यहाँ जो फेस्टिवल वगैरह होता है किस तरह से होता है, कैसे आप इन्जॉय करती हैं, तो मुझे लगा कि इसको एक डिटेल वीडियो के साथ हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ सब्जियाँ मेरी सारी कट गई थी तो बस मैं धोने के लिए आ गई हूँ। भाभी एक्चुअली यहाँ पर कढ़ी बना चुकी थी, एक्चुअली यहाँ पर कढ़ी चावल और जो अन्नकूट की सब्जी होती है, रोटी होती है, इन सब चीज़ों का ही भोग लगता है। एक्चुअली भोग तो हमारे यहाँ कान्हा जी को ही लगता है, जो ऊपर होती है बस से पूजा होती है, तो वो तो हमारा जब गोवर्धन में बनाने जाऊँगी उसके बाद ही होगी रात में पूजा। लेडीज़ों का यहाँ पर सिर्फ काम बनाने का होता है, जब तक हम लोग छोटे थे तब तक तो मम्मी बनाती थी, लेकिन जब से हम लोग बड़े हुए हैं तो मन भी करता है, जैसे कहते हैं ना जब हम थोड़े से बड़े हुए मम्मी लोग बनाते देखा तो थोड़ा बहुत हाथ हम लोग ने भी लगवा दिया, तो अब इतना शौक चढ़ा है कि मन करता है कि हाँ बनाइए। तो यहाँ के अब गोवर्धन ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी को नीचे बैठने में दिक्कत होती है और देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं ही अब गोवर्धन बनाऊँगी। भाभी एक्चुअली गोबर वगैरह छूती नहीं है तो इस वजह से वो नहीं बनाती हैं, मुझे बनाने का शौक़ है, मैंने बचपन से किया है, थोड़ा बहुत छुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही बनाऊँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं अपनी अन्नकूट की सब्ज़ी भी छौंकती जा रही थी और ये सब्ज़ी जब बनती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
कुछ लोगों को एक्चुअली इसमें ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो खाते हैं वो एक्स्ट्रा डलवाते हैं, बट हम लोग क्या नॉर्मल हम लोग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम, जितना भी हमारा होता है ये भोग का प्रसाद रहेगा जो कि भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में मैंने मम्मी के लिए एक कढ़ी छौंकी थी जो कि हमारी सिंघाड़ी के आटे की थी, क्योंकि मम्मी को बेसन वगैरह ये सब चीज़ों से मना है, बिल्कुल भी परहेज है उनका। तो बस मैं यहाँ पर एक्चुअली तैयारी कर रही थी टमाटर वगैरह कट करने की, तो जितना भी है मैंने थोड़ा बहुत ही चलने का यहाँ पर अपना ऐड किया है, क्योंकि इसके बाद मुझे छत पे जाना था, बहुत सारे काम करने थे। और साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूँ अभी मेरा वीडियो 18 मिनट कुछ सेकंड का है, या मान लीजिए 19 मिनट का है, लेकिन इससे पहले जब हमारा वीडियो बना था वो 42 मिनट का बना था। तो सोच सकते हैं मैंने अपने वीडियो में कितनी कटाई छटाई की होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि हाँ एक्स्ट्रा हो गई थी, जिसको हम छोटे में वो दिखा सकते थे, क्योंकि इतना तो लॉन्ग वीडियो मुझे नहीं लगता है कोई भी देखता होगा। तो इसीलिए हमने अपने वीडियो को काफ़ी छोटा कर दिया। और यहाँ पर मैं वही मम्मी की जो कड़ी है उसके लिए सामान निकालती थी, क्योंकि मैं वो भी साथ साथ छौंकूंगी। और ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो डालती हूँ, और जो भी लोग डालते होंगे तो मुझे लगता है ये वीडियो हमारा काफ़ी लेट ही हो जाता होगा, क्योंकि आपको भी पता है जब हम एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो डालते हैं और त्यौहार हमारे जो हैं वो लगातार होते हैं, तो वीडियो ऑलरेडी लेट। ये देखिए हमारी अन्नकूट जो है वो तैयार हो गई है, इसी का भोग अभी भगवान जी को लगेगा। और अन्नकूट सब्जी बोला जाता है, अन्नकूट तैयार हुई है, अन्नकूट सब्जी है। इसमें 56 तरह की सब्जी है और बिना डांट के मेरा कोई काम होता नहीं। देखिए अन्नकूट भोग हमारा तैयार हो गया बस। और ये मम्मी के लिए कड़ी बनाई है, एक्चुअली वो वैसी कड़ी नहीं खाएंगी, तो मम्मी की ये बनी है सिंघाड़े के आटे की कड़ी। और ये बन गई है हमारी कड़ी जो हमारी नॉर्मल होती है, ये भाभी बना चुकी हैं। ये देखिए बस रोटी बननी है, चावल बनने हैं, बाकी हमारा भोग सब तैयार है। भगवान जी का भोग लगा के हमारा खाना होगा, इसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे गोवर्धन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सारा काम खत्म हो गया था, मैंने फटाफट से मम्मी की भी रोटी सेक दी है, बाकी रोटियाँ बाद में सेकेंगी क्योंकि अभी जल्दी किसी को भूख भी नहीं लगनी थी। और ये देखिए फाइनली आ गया हमारा खाना, ये है हमारी कढ़ी, ये अन्नकूट की सब्जी, ये है मेरी दो रोटी, इसके अलावा हमारे चावल। अब मेरे पैरों का हाल देखिए, इतनी तेज़ दर्द हो रहा है, अब मैंने ये उतारे हैं, अब मैं आराम से बैठूंगी। और हमारा टाइम भी हो रहा है एक्चुअली 1 बज रहा है, देखिए मुझे हमारी लाइव की टाइमिंग, तो अब मैं लाइव करूँगी, इसीलिए मैंने आराम से इसको उतार के बैठ दिया है। और 2-3 घंटे बाद जाऊँगी शाम, जब धूप कम हो जाएगी तब जाएंगे और तब बनाएंगे गोवर्धन, तो आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। Hours later. और ये लगभग 4:30 बजे का टाइम है और मैं जा रही थी अब गोवर्धन बनाने के लिए छत पे, क्योंकि ऐसे अंधेरा भी हो जाता तो गोवर्धन बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक्चुअली इस बार हमें गोबर कहीं भी नहीं मिला, तो जिसकी वजह से भैया लोग एक चट्टे से खरीद के लाए थे गोबर, क्योंकि यहाँ पर मोहल्ले में एक्चुअली एक भी गाय ऐसी नहीं है जिनका हमें सही गोबर मिल जाए, तो जिसकी वजह से ये खरीद के लाना पड़ा था। और गोबर इस समय इतना बेकार आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, अभी तक अपनी लाइफ में ये कही है मुझे सबसे बेकार गोबर मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा सूखा था कि उससे मुझसे सही से गोबरधन तक नहीं बन रहे थे, पानी वगैरह जैसे तैसे मिला के मैंने उस तरह से उसको एडजस्ट किया था। फिलहाल अभी तक मैंने यहाँ देखा नहीं था, तो मैं नॉर्मली अपना सोचती थी कि अच्छा समनाऊँगी चिकना चिकना एकदम जैसे मैं हर साल बनाती थी, बट इस बार का गोबर हमारा जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और जब मैं छत पे जाती हूँ तो आपको भी पता है मैं इस तरह की रिकॉर्डिंग जरूर करवाती हूँ हमारा छत पे जाने की आने की कि किस तरह से। और ये रचित मुझसे कह रहा था आप बार बार रिकॉर्डिंग करवाती है, इससे अच्छा एक ही रिकॉर्डिंग करवा लो, हर बार वही लगा लो। मैं उसको वही समझा रही थी कि जब हम छत पे जाते हैं अलग तरह से जाते हैं, अलग डे का दिखाते हैं, तो मैं एक ही रिकॉर्डिंग को बार बार किस तरह से दिखा सकती हूँ। और बस यही सब चीज़ों में हमारी एक्चुअली बहस भी हो रही थी, क्योंकि उसका बिल्कुल वे मन नहीं था रिकॉर्डिंग करने का। एक्चुअली बच्चों का होता है ना कि जब मन नहीं करता तो उनसे कोई किसी काम का निकलवा नहीं सकता, लेकिन दिक्कत ये थी कि मम्मी को वैसे मैं दे देती लेकिन मम्मी मेरा फ़ोन जो है वो ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें पासवर्ड वगैरह रहता है और मैं अक्सर पासवर्ड डाल के ही रखती हूँ, हालाँकि मेरा पासवर्ड बहुत ईजी रहता है। लेकिन बस किसी तरह से रचित को लेके तो आ गई हूँ। और यहाँ पर बस हमारी वही बहसबाजी भी साथ में चलती जा रही थी, मैं उसको डांटती भी जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग कहेंगे कि ये कितना लड़ती है बेचारा, रचित तो हमेशा इतनी हेल्प करता है, लेकिन फिर भी इसकी बुआ इसको डांटती ही रहती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे थकावट भी हो रही थी। एक्चुअली आज क्या था कि आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, जो कहते हैं ना हरारत सी आ जाती, फीवर सा आ जाता है, तो उस तरह से लग रहा था। तो मैं
शाम से ही लगभग मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी, मुझे खुद से लग रहा था कि मेरा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया था। हालांकि इस समय तो मुझे ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था, बस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। फाइनली हम आ चुके छत पे और मम्मी भी थोड़ा बहुत सामान जो था, जो हमारी पूजा में ज़रूरत होगी वो वाला सामान लेके आई थी। और इसके बाद ही मैंने एक्चुअली जब मैं गोवर्धन बना रही थी उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा लाइव भी किया था, तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि लाइव में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो करी थी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूँ। हम लोग छत पे एक्चुअली इस टाइम पे आए थे जब हमारी छत से जो धूप है वो बिल्कुल जा चुकी थी, क्योंकि धूप में अगर बैठ के बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है जैसे पसीना वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम स्टार्ट हुआ है जो कि सिर्फ मॉर्निंग में और नाइट में लगता है, क्योंकि शाम के टाइम हमारी गर्मी अभी भी पड़ रही है जो कि काफ़ी तेज़ लगती है। और मैं पट्टा एक्चुअली मम्मी ही ले आई थी क्योंकि मुझे ऐसे बैठने में काफ़ी दिक्कत होती, और यहाँ पर फाइनली मैं बना रही थी गोवर्धन और बाल्टी में ही मैंने गोबर रखा हुआ था, बार बार पानी डाल के मैं उसको गीला कर रही थी क्योंकि आप देख सकते हैं वो एकदम से वैसा था जैसे कहते हैं ना बुरादा टाइप का, तो वो बार बार टूट टूट के गिर रहा था। आज मुझे गोवर्धन बनाने में थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन बस ये लग रहा था कि कम से कम गोबर हो तो आ गया, क्योंकि गोवर्धन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो गोबर ही होता है, और वो इस बार हमारे मोहल्ले में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। कभी वो टाइम भी था जब हमारे यहाँ 10-11 गाय थी और हमें मतलब इस तरह से सोचना नहीं पड़ता था कि कभी हमें मार्केट से गोबर भी खरीद के लाना पड़ेगा। एक्चुअली गोवर्धन पहले हमारे यहाँ बनते थे वो नॉर्मल तरीके से बनते थे जैसे मम्मी बनाती थी, और अब हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं। इसमें मैं बना रही हूँ जो कृष्ण जी का वो होता है, जिस कहते हैं ना जिस रूप में वो खड़े होते हैं, उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि नेट पे मैंने बहुत देखा था इस तरह के गोवर्धन। हालांकि मैं ये दूसरी या तीसरी बार बना रही हूँ, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बस पैरों का जो शेप है वो देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए अब इससे मैं डेकोरेट करूँगी, इसके अलावा मैं कलर ले लूँगी। अब आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर, ये है उसके अलावा है हमारे कलर। और ये देखिए फाइनली हमारे गोवर्धन जो हैं वो बन के रेडी हो गए, 2 घंटे इसमें लगभग लगे होंगे, उतने अच्छे नहीं बने, लेकिन इस बार एक्चुअली गोबर काफ़ी सूखा हुआ था उसकी वजह से उतने अच्छे नहीं बने। और अब हम जा रहे हैं नीचे, और इस समय तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हरारत सी होने लगी थी। इसके बाद जब मैं नीचे गई थी मैं थोड़ी देर जाके लेट भी गई थी क्योंकि इसके बाद हमें जाना था। एक्चुअली एक मन सच बताऊँ तो कर रहा था कि ना जाऊँ, लेकिन एक मन कर रहा था कि जाऊँ क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग वो भी करनी थी जो कि मैं यहाँ पर अपने YouTube फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आपने भी मेरी फैमिली को यहाँ पर देखा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते और बहुत ज़्यादा घर में भी हम लोग नहीं जाते, लेकिन वहाँ पर हमें एक वो भी फैमिली मिलती है जो कि हमारी खुद की ही फैमिली है, लेकिन ये कह सकते हैं उनसे हमारी ज़्यादा बोलचाल नहीं है। कहते हैं कभी कभी होता है ना आपको उस चीज़ की सजा दी जाती है जो आपने कभी गलती नहीं की, बस हमारी फैमिली के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन बस ये है कि वो भी हमारी फैमिली है जिससे अब हम लोग उतना नहीं बोलते, लेकिन अब तो बहुत सारा ऐसा भी है कि अब बातें फ़िलहाल होने लगी हैं। लेकिन वहाँ पर जाके ना कभी ऐसा होता था कि हम लोग बिल्कुल अकेला सा फील करते थे। चलिए उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, आपको सबसे पहले यही दिखाऊंगी वहाँ पहुँच के कि हमारी जो फैमिली है वो कैसी है, कितनी बड़ी है, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि वहाँ पर अभी आए नहीं हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूजा करते हैं बस वही लोग आते हैं। अभी तो फिलहाल मैं छत से नीचे आ रही थी, इस समय सच बताऊँ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं पर भी जाने के बारे में सोचूँ, बस ये लग रहा था जाऊँ और लेट जाऊँ दवा खा के, लेकिन दवा मैं अभी खाना नहीं चाहती थी क्योंकि रात में जब मैं खा के सोती हूँ तभी मुझे सबसे ज़्यादा आराम मिलता है दवाई का, क्योंकि दवा खाने से पता नहीं क्यों ऐसा है कि जब तक मैं लेटती नहीं हूँ तब तक मुझे किसी भी चीज़ में चाहे वो जुकाम बोलिए फीवर बोलिए या जो भी चीज़ बोलिए उसमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और यहाँ मुझे थोड़ी सी थकावट भी हो रही थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, और रचित भी मुझसे यही चीज़ कह रहा था कि आप वहाँ पर बैठ के काम करके आ रही हो, आपने काम तो कुछ भी नहीं किया है लेकिन सिर्फ बैठी थी तब भी आपको थकावट हो रही थी, लेकिन वो मेरी कंडीशन को एक्चुअली सच बताऊँ तो समझता भी नहीं उतना ज़्यादा क्योंकि बच्चा है तो उसको लगता है कि हाँ बुआ ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनको थकावट हो, लेकिन जो लोग हमारी इस कंडीशन से वाकिफ़ हैं तो वो ज़रूर जानते होंगे कि इस कंडीशन में थोड़ा बहुत भी चलना फिरना बहुत ज़्यादा ही होता है। Hours later. और यहाँ पे फाइनली मैं और मम्मी रेडी हो गए हैं दोनों लोग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के लिए। आज गोवर्धन पूजा है, सबसे पहले हम लोग एक जगह जाएंगे जो मेरा भतीजा है उनके यहाँ जाएंगे क्योंकि वो बड़े भैया हैं, तो सबसे पहले पूजा वहाँ पर होती है और इसके बाद हमारे यहाँ होगी। अभी 8 बज रहा है, अब हम लोग निकलेंगे, 9 बजे तक वहाँ पूजा होती है, उसके बाद यहाँ पर रात में पूजा होती है। तो चलिए
देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। हालांकि हमारा वीडियो आज का काफी लंबा हो गया। और फाइनली फिर से हम लोग निकल लिए हैं अपने दूसरे घर के लिए, जहाँ पर हम गोवर्धन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर रास्ते की डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि आपको भी पता है हमारा वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। बस थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि हाँ रोशनी है, तो बस मैंने थोड़ी जगह पर ही वहाँ पर खुद को और बाकी लोगों को कैप्चर किया है। और ये है हमारी सबसे बड़ी भाभी, और भी भाभी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर मैं एक्चुअली वॉइस ओवर इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और ये देखिए, ये है हमारी पूरी फैमिली, बल्कि पूरी नहीं कहेंगे, ये तो आधी ही फैमिली है। हमारी फैमिली एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर देखिए, ये है हमारी फैमिली, लेकिन ये फैमिली के कुछ ही मेम्बर है। एक्चुअली हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि अगर कहीं 12 जाए तो 3 बसें तो कम पड़ जाएंगी। इतनी बड़ी हमारी फैमिली थी कभी, लेकिन अब बहुत ही छोटी हो गई है। सब कहते हैं ना, डिवाइड हो गया, डिवाइड एंड रूल यहाँ पर भी शायद चालू हो गया है। कि कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, वो वोट डालो शासन करो, बस यही वाली जो कहते हैं ना राजनीति हमारी फैमिली में भी खेली गई थी। लेकिन कहानी बहुत लंबी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर करने की जरूरत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की वाले की। तो यहाँ पर फाइनली आप देख चुके हैं, मनिया जो गोवर्धन की पूजा होती है वो कितनी अच्छी तरीके से होती है। सच बताऊँ तो पूरे साल हमें इस पूजा का जरूर इंतजार रहता है कि ये पूजा आएगी, कब हम लोग एक साथ रहेंगे। कितना मजा आता है जब फैमिली में सब लोग एक साथ होते हैं। हालांकि बात ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सच बताऊँ इंजॉय बहुत करते हैं, सबके साथ बैठते हैं और कहते हैं ना पूजा सब लोग करते हुए देखते हैं सबको, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भाभी वगैरह सब लोग थे, तो मैंने धीरे से सबको कैप्चर कर लिया। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि कोई मुझ पर ध्यान ना दे। और इसके बाद रचित भी मेरे साथ ही आ गया था। एक्चुअली हमारे यहाँ होता है जब खाना ये पूजा होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी कहते हैं ना कि खाने वगैरह का होता है, मुँह झूठा करा के उसके बाद ही भेजते हैं। इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए हैं, क्योंकि अब की इसके बाद नेक्स्ट जो पूजा होगी वो हमारे घर पर ही होगी। एक्चुअली दो जगह हमारे यहाँ गोवर्धन रखे जाते हैं, जहाँ पर जितने भी फैमिली के भाई वगैरह हैं, ताऊ जी हैं, ये जितने भी जेंट्स होते हैं सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये पूजा मैंने जेंट्स ही करते हैं, और ये एक तरह से देखा जाए मथुरा साइड में जो पूजा होती है, मथुरा साइड वाले एक्चुअली जानते होंगे कि हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा जो होती है ये किस तरह से हो रही है। एक्चुअली कानपुर में तो मैंने इस तरह की जैसे हमारे साइड पूजा होती है उस तरह की पूजा होते हुए ही नहीं देखी है। यहाँ की गोवर्धन पूजा आपके यहाँ की किस तरह से होती है, इस तरह से होती है कि नहीं होती है, ये प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, भाई दूज के वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी भाई दूज।